पूर्व प्रशासनिक अधिकारी आदरणीय श्री जी एस संधू साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच श्री कुंजीलाल जी मीणा साहब, हमारे जोधपुर शहर के दोनों अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेश जोशी जी और श्री सलीम खान जी, सूरसागर से पार्टी के प्रत्याशी रहे प्रोफेसर अयूब खान जी, और यहाँ पे विशेष तौर पे मैंने रवि बिश्नोई जो हमारे जोधपुर का लाल है और जिसने अभी भारतीय टीम में, आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से जब 28 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ मैच हुआ तो हमारे जोधपुर के लाल ने 2 विकेट लिए, ऐसे होनहार खिलाड़ी भाई रवि बिश्नोई जी को भी मैं याद करते हैं। आज का दिन मारवाड़ के खेल जगत के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, जब हमने ये बहुत वर्षों से मांग चल रही थी कि बरकतुल्ला खान स्टेडियम का नवीनीकरण हो और साथ ही RCA के साथ MOU हो। मुझे खुशी है कि आप और हम सब लोग मिलके आज इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने हैं। आप लोग जानते हैं किस तरीके से यहाँ पे लगभग 20 वर्ष पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था और उसके बाद जो लंबा 20 वर्ष का ये अंतराल रहा है उसमें हमेशा हमारे मुख्य संरक्षक जो उस वक्त RCA के अध्यक्ष थे आदरणीय डॉक्टर CP जोशी साहब और मुख्यमंत्री जी आदरणीय अशोक गहलोत जी ने हमेशा यही पूछा कि जोधपुर में मैच क्यों नहीं हो पा रहे हैं। आप सबको ध्यान होगा सन 2012 के अंदर 13 के अंदर भी हमने वापस कोशिश की, आदरणीय डॉक्टर CP जोशी साहब ने मुझे कमेटी में सदस्य बनाया, हमारी कमेटी ने जयपुर के शासन सचिवालय में उस वक्त के खेल सचिव रोहित कुमार सिंह जी से बात की, यहाँ पे आके हमने जिला कलेक्टर महोदय से बात की, मगर कुछ कारण रहे जिस वजह से जो फ्लड लाइटें उस वक्त लगनी चाहिए थी वो फ्लड लाइटें नहीं लग सकी, जिसकी वजह से जो ये 20 साल का जो अंतराल है ये एक लंबा अंतराल है। इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि BCCI का जो मापदंड है वो काफ़ी बदल गए थे और इन 20 वर्षों में जो मापदंड बदल गए थे उसके अनुरूप हमें स्टेडियम को तैयार करना था। हमने 3 साल पहले जब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने आदरणीय डॉक्टर CP जोशी साहब ने हम सबको मौका दिया, उन्होंने जो हमें टास्क दिया वो पहला टास्क था कि राजस्थान के अंदर क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग बढ़ाएं, ना केवल जयपुर में बल्कि जोधपुर में और उदयपुर में भी हम लोग आने वाले समय में राजस्थान में ये 3 बड़े सेंटर क्रिकेट के होने चाहिए। जो जयपुर में आप लोग सब जानते हैं किस तरीके से नया स्टेडियम बन रहा है, उसका कार्य प्रगति पे है, और मैं कहना चाहूँगा कि प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय डॉक्टर CP जोशी साहब ने जिस तरीके से अपने मार्गदर्शन में, अपने आशीर्वाद में हमने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने ये मांग रखी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमें जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम को BCCI के मापदंडों के अनुरूप अगर पूरा करना है तो आप हमें बजट में घोषणा करें बरकतुल्ला खान के विकास के लिए, स्टेडियम के विकास के लिए। और मुझे खुशी है कि प्रदेश की सरकार ने जो पिछला बजट था 2021 का उसके अंदर बरकतुल्ला खान स्टेडियम के नवीनीकरण के लिए, यहाँ पे नई फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए जो BCCI के मापदंडों के अनुरूप हो, उस फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए प्रदेश की सरकार ने बजट में घोषणा की, और ये तभी संभव हुआ जो आज हम ये बरकतुल्ला खान स्टेडियम का नया रूप देख रहे हैं। मैं इस मौके पे मेरी संपूर्ण कार्यकारिणी को भी धन्यवाद देता हूँ, RCA के हमारे मुख्य सलाहकार GS संधू साहब को, हमारे चीफ क्यूरेटर, जो ये शानदार पिच तैयार हुआ है, ये शानदार जो ग्राउंड तैयार हुआ है, हमारे ग्राउंड्समैन ने JDA का निरंतर टेक्निकल सपोर्ट किया, टेक्निकल हेल्प करी लगातार। मैं खुद यहाँ पे 8-9 बार आके मैंने इस कार्य की प्रगति को देखा, मैंने लगातार अधिकारियों से बात की, निवेदन किया कि हम लोग जल्द से जल्द इस नवीनीकरण का काम पूरा कर सकें तो आने वाले समय में पूरी संभावना रहेगी कि हम जोधपुर के अंदर जयपुर की ही तरह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचेस ला सकें, दूसरे टूर्नामेंट्स ला सकें। संपूर्ण प्रशासन ने जिस तरीके से ये काम किया और हमारी टेक्निकल जो RCA की टीम रही, चाहे हमारे ग्राउंड्समैन आए, चाहे श्री तपोस चटर्जी आए, उन्होंने कई दिन रह के यहाँ पे ये जो 5 पिच तैयार हुए हैं इसमें से 3 रेड सॉइल के
और दो नॉर्मल सॉइल के, इन पिचेस के लिए जो टेक्निकल पूरा असिस्टेंस था वो हमारे चीफ क्यूरेटर तपोस चटर्जी ने दिया। मुझे बताते खुशी है कि जब ये पूरा स्वरूप यहाँ बरकतुल्ला खान स्टेडियम का उभरा है, मैंने सबके मुँह से इसकी तारीफ सुनी है। इसके लिए मैं प्रदेश की सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब का धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया, हमेशा हमें प्रेरित किया कि हम लोग बरकतुल्ला खान स्टेडियम को जल्द से जल्द पूरा कर सकें। मैं इस मौके पे कहना चाहूँगा कि जब भी हमने आरसीए के लिए, चाहे बरकतुल्ला की बात हो चाहे जयपुर में नए स्टेडियम की बात हो, हमने हमेशा आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश की सरकार से, ताकि हम लोग जो भी हमने मांगे रखी, ताकि हम लोग जो हमारे को टास्क दिया गया था हमारी नई कार्यकारिणी को, हम लोग उसको उसी अनुरूप पूरा कर सकें। उदयपुर के अंदर भी हमने आरसीए ने ज़मीन एक्वायर कर ली है, वहाँ बाउंड्री का काम हो रहा है।